लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स विद द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब अगर हमें कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया है और उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट दिया है, तब हमने फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पर n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो इस वाले रिलेशन में हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिया गया है 1/2। तो जहाँ से हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले तो निकालना है, वो देखो कैसे निकलेगा। एज क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स वो अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आती है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर दोनों साइड पर आप डिटरमिनेंट लोगे तो ये वाला आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी जो डिटरमिनेंट होती है वो कितना होता है, 1 होता है। तो को जहाँ पर जो इसका डिटरमिनेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, जहाँ से हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना है, 1/2 जो गिवन दिया गया है। तो जहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये वाली वैल्यू हमने जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का रिलेशन है ये वाला, इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो जहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो जहाँ पर देखो आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब ऑर्डर 3 दिया गया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने अभी निकाला है 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप इसको फिल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2^3-1। तो ये आ गया 2^2, वो कितना होता है, 4। तो अभी जी हमारे पास जो निकला है वो है डिटरमिनेंट ऑफ और जॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब आपने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट करना है ए की जगह क्या पुट करना है, एडजॉइंट ए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपने एडजॉइंट ए कर देना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। तो जहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली है, लास्ट स्टेप में देखो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 4। ये वाली वैल्यू हमने जहाँ पर फिल कर देनी है, ये देखो जहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 4 और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, n-1, n कितना है, 3, 3-1 कितना हुआ, 2, 4^2 कितना होता है, 16। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाली इक्वेशन में क्या पुट करोगे, अब ए की जगह आपने रिप्लेस कर देना है ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें जब आप रिप्लेस करोगे, ये देखो ए की जगह आपने रिप्लेस कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए इन 1। तो जे वाला कुछ रिलेशन आ जाएगा, जे वाला। तो जहाँ पर हमने जे वाली वैल्यू अभी लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 16। तो इसकी वैल्यू जहाँ पर हम फिल कर देंगे 16 और n-1, n कितना है, 3 इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। 3-1 कितना हो गया, 2 और 16 की पावर कितना हो गया, 2। तो 16 की पावर 2 कितना होता है, 256। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 256। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।